IFWJ पत्रकार संगठन ने नगर परिषद कमिश्नर को दिया ज्ञापन, पत्रकारों को प्लॉट आवंटन की मांग, धौलपुर की प्रमुख खबर। IFWJ पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी के नेतृत्व में आज नगर परिषद कमिश्नर लजपाल सिंह को ज्ञापन देकर मांग की गई कि धौलपुर जिले के पत्रकारों के लिए आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएं। कमिश्नर सिंह ने वार्ता के दौरान कहा कि पत्रकारों से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, जिन्हें शीघ्र ही दूर कर जिले में पत्रकार कॉलोनी का प्रयास किया जाएगा। IFWJ के पत्रकारों को नगर परिषद कमिश्नर लजपाल सिंह ने शीघ्र इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्रेश शर्मा, जिला महासचिव गजेंद्र कादिल, ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग मुद्गल, ब्लॉक महासचिव रनीश तिवारी, ब्लॉक सचिव रमाकांत शर्मा, जिला सचिव पुष्पेंद्र बघेल, चंदन पाल आदि पत्रकार उपस्थित रहे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कस्तूरबा गांधी में देखा बालिकाओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, धौलपुर की प्रमुख खबर। बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल के मुख्य आतिथ्य एवं जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रेरणा नगर धौलपुर में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन किया। विशिष्ट अतिथि सदस्य सचिव निर्मला मीणा, IAS सहायक निदेशक विजय कुमार मीणा एवं बाल संरक्षण आयोग के दो सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिंह, शिव भगवान नागा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मिशन जीवन रक्षक बालिकाओं को निशुल्क प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण युवा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सुखी और सुरक्षित जीवन की दिशा में एक अनूठी पहल के अंतर्गत सभी विद्यालयों में किशोर स्वास्थ्य पाठ्यक्रम लागू किया है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला CLG सदस्यों की बैठक आयोजित, धौलपुर की प्रमुख खबर। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले भर के थानों में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। साथ ही जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला CLG सदस्यों की बैठक जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में SP नारायण टोगस ने सदस्यों से कहा, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। हमें हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वह समाज सबसे अच्छा होता है जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक यात्रा, जुलूस या अन्य किसी आयोजन के दौरान भड़काऊ भाषण, अभद्र इशारे, व्यवहार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने CLG सदस्यों से संदिग्ध लोगों पर नजर रखने और इसकी सूचना पुलिस को देने का आह्वान किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पर्यावरण संरक्षण, यातायात व्यवस्था बनाने, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण रोकने आज मामलों में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। कायस्थपाड़ा के नलों में गंदा कीचड़ युक्त पानी से उपभोक्ता परेशान, अधिशासी अभियंता को दिया ज्ञापन, धौलपुर की खास खबर। जिला मुख्यालय के कायस्थपाड़ा मोहल्ले में काफी लंबे समय से सीवर लाइन का गंदा कीचड़ युक्त पानी घरों में नलों द्वारा पहुंच रहा है, जिसे लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक शिकायत की गई। लेकिन लगभग 6 माह से यह परेशानी उपभोक्ताओं को लगातार बनी हुई है, जिसे लेकर अधिकारी कतई गंभीर नहीं है। आज फिर स्थानीय निवासियों ने अधिशासी अभियंता जलदाय धौलपुर से इस बारे में लिखित शिकायत दी तथा प्रमाण में बोतलों में नलों का गंदा पानी उनकी टेबल पर रख दिया। उपभोक्ताओं का कहना है कि जलदाय विभाग की लापरवाही एवं अनदेखी के चलते कायस्थपाड़ा मोहल्ला के निवासी पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो मोहल्ला निवासी हल्ला बोल आंदोलन करने को मजबूर होंगे। धौलपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। ये 6 महीना है रे, 6 महीना से जी प्रॉब्लम है, नाले साफ है गया था, पानी साफ आ गया, गंदो पानी है और प्योर भी आ रहा है, सप्लाई आ गया तो मिक्स हो गया तो तुमने आज तो रो आई ना रो तो एक शाम की सप्लाई बने 15 मिनट तो सैया बिल्कुल आ ही ना। राजीव कुमार शर्मा, मैं मोहल्ला कास्टपाड़े का रहने वाला हूँ। करीब 4-6 महीने से समस्या आ रही है गंदे पानी की, बहुत सड़ा हुआ सीवर का पानी आ रहा है और विभाग की तरफ से कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कटपाड़ा निवासी, पानी में गंदा पानी आता है, कभी भी आ जाता है, उससे क्या है सीवर का वैसे आता है, उससे बीमारी फैल रही है और ये पानी की जो सप्लाई है शाम को कम है, वो बढ़नी चाहिए।
राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्ष ने किया बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने आज धौलपुर में पालना गृह का किया शिलान्यास। बाल कल्याण समिति पदाधिकारियों ने उनका शानदार स्वागत सत्कार किया। संप्रेषण गृह आवासीय किशोरों से की मुलाकात कर हालचाल एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। राज्य की संप्रेषण एवं किशोर गृह परिसर में किया वृक्षारोपण। साथ में रहे आयोग के सदस्य विजेंद्र सिंह, सदस्य शिव भगवान नागा, बाल अधिकारिता विभाग के पवन पूनिया, जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान, उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, रवि पचौरी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति धौलपुर, सदस्य ब्रजेश मुखरिया, गिरीश गुर्जर, नरगिस शरीफी, संतोष गौड़, राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल एवं सदस्य शिव भगवान नागा, विजेंद्र सिंह एवं अन्य अधिकारियों ने बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया। कैंप की खाली कुर्सियां अपने साहब का इंतजार करती हुई, ऐसे तो हो गया आमजन का भला। बड़ी की प्रमुख खबर। प्रशासन शहरों के संग अभियान कैंप 2022 बना महज खानापूर्ति, जहां दिन भर खाली कुर्सियां अपने साहब और कारिंदों का इंतजार करती रही। कैंप में नहीं पहुंच रहे विभिन्न विभागों सहित कैंप के आयोजनकर्ता, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, इक्का दुक्का को छोड़ सारी कुर्सियां, जिम्मेदारों की बाट जोहती हो रही थी धूल दूसरे। एक ही जगह एक ही दिन में पट्टा देने सहित अन्य कार्यों को लेकर सरकार ने लगाया है कैंप, लेकिन सरकार के आदेशों की खानापूर्ति सिर्फ टेंट लगाने तक ही सीमित रही। अपने कार्यों के लिए पहुंच रहे लोग सूने टेंट को देखकर कोस रहे सरकार को। नगर पालिका के साथ प्रशासन भी इन कैंपों को लेकर नहीं दिख रहा गंभीर। आज कस्बा के हतियापुर मोहल्ला के वार्ड 22 में लगा है नगर पालिका का अभियान रूपी खानापूर्ति शिविर। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम उमेश शर्मा, मैं पट्टा लेने के लिए आया हूँ यहाँ हतियापुर स्कूल में। तो कल मैं आया था तो ये कैशियर वगैरह ने रसीद वगैरह, कैशियर तो था ही नहीं था, क्योंकि कल आएगा 1000 रुपये दे गया हूँ, लेकिन अभी तक तो पट्टा नहीं मिला है। आज भी आया हूँ, अब भी कोई कर्मचारी नहीं है, केवल 2 कैंडिडेट बैठे हैं यहाँ पर, कोई नहीं मिला है। यहाँ बैठा हूँ पट्टे के उससे पट्टा लेने के बाबत। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? मुझे आए 2 घंटे भर हो गया, 1 घंटा भर हो गया, 1 घंटे भर पहले आया हूँ। तो जब आप 1 घंटे पहले आए तो आपको कौन मिला था यहाँ पे? कोई कैंडिडेट, एक कैंडिडेट मिले थे बस। राजघर में बाधा पहुंचाने के आरोप में एक वर्ष से फरार एक और मुलजिम गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत प्रकरण में नामजद 7 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर नारायण टोगस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान को लेकर थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा थाना कंचनपुर द्वारा करीब 1 साल से फरार चल रहा राम पूजन पुत्र देवेंद्र जाति गुर्जर निवासी सोहा थाना कंचनपुर को मुखबिर की सूचना पर गांव कंचनपुर से गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है। प्रकरण में नामजद आरोपी हरवीर, चीकू, मुकेश, सुरेश, लाकेश, पप्पू व देशराज गुर्जर को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। सीएलजी सदस्यों की थाना कंचनपुर में बैठक आयोजित। कंचनपुर की खास खबर। आज दिनांक 5 मई को जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के आदेशानुसार थाना कंचनपुर पर सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का आयोजन थानाधिकारी थाना देवेंद्र कुमार शर्मा उप निरीक्षक पुलिस की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। सीएलजी मीटिंग के दौरान पुलिस मुख्यालय जयपुर से जारी आदेश, निर्देश एवं विभिन्न प्रकार के संचालित अभियानों के बारे में जानकारी दी गई। थाना इलाका क्षेत्र में आपसी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। थाना इलाका कंचनपुर में गठित होने वाले किसी भी तरह के क्राइम की सूचना सीधे सीएलजी सदस्यों के मार्फत पुलिस तक पहुंचने हेतु जो कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था है उस बाबत चर्चाएं की गई। सीएलजी सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर कार्य करने बाबत चर्चा की गई। सीएलजी मीटिंग में थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा, एएसआई गजेंद्र सिंह, एसआई बल्केश्वर दत्त, हेड कांस्टेबल होरीलाल, हेड कांस्टेबल मान सिंह, हेड कांस्टेबल गोविंद एवं सीएलजी सदस्यों में अवधेश कुमार, रूप सिंह सिंगोरई, दिनेश मीणा धनोरा, श्रीचंद कंचनपुर, हीरालाल उलावटीपुरा, ज्ञानी राम कंचनपुर, द्वारिका प्रसाद उलावटीपुरा, राजेश सिंह
पुरा मदारी, गोवर्धन सिंह गढ़ी खिराना, वीरेंद्र सिंह बड़ापुरा, सुरेंद्र सिंह गढ़ी खिराना, प्रेमपाल सिंह कंचनपुर आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने पंचायत समिति में की बैठक। से खास खबर, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल गुरुवार दोपहर के समय सैपो पहुंची, जहां सबसे पहले सैपो पुलिस थाने पहुंची। सैपो थाने पर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। सीओ विजय कुमार सिंह, एसडीएम ललित मीणा, थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा एवं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद बेनीवाल ने पुलिस थाने में बाल अपराधों से संबंधित मुकदमों का निरीक्षण किया। पॉक्सो एक्ट के मुकदमा एवं अन्य अपराधों के मुकदमों का फीडबैक लिया। सीओ एवं थाना प्रभारी ने दर्ज मुकदमा एवं उसके निस्तारण के बारे में जानकारी दी। पुलिस थाने का निरीक्षण कर आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल पंचायत समिति सभागार पहुंची। पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी अनूप रावत, सरपंच के शर्मा, बसई नवाब सरपंच बंटी सोनी एवं अधिकारियों ने पुष्प व उपहार भेंट कर स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले की छवि जो प्रदेश में देखी जाती है वह बिल्कुल अलग मिली है। धौलपुर के लोगों की संस्कृति, विरासत, संस्कार एवं भाईचारा काबिले तारीफ है। उन्होंने संबोधन में कहा कि बाल संरक्षण आयोग का उद्देश्य बाल अधिकारों के प्रति सजग करना है। समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के साथ समाज के लोग व अभिभावकों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समाज के लोगों को लाभ उठाना चाहिए। सैपो से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। 3 साल से फरार स्थायी वारंटी देवेंद्र व महावीर गुर्जर को किया गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर, पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में कंचनपुर थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी देवेंद्र गुर्जर को सैपो रोड पेट्रोल पंप के पास से एवं स्थायी वारंटी महावीर गुर्जर को अतिराजपुरा से गिरफ्तार किया गया। बसेड़ी थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर, पुलिस थाना बसेड़ी में थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों एवं प्रबुद्ध जनों की मीटिंग ली गई। बैठक के दौरान सभी से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने सभी से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी सांप्रदायिक एवं भड़काऊ पोस्ट को बिना किसी जांच पड़ताल के सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करें और किसी भी समाज विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आजकल अधिकतर दंगे फसाद सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के चलते होते हैं। रवि गोयल दोपरा वालों ने आए दिन मुख्य चौराहे पर लगने वाले जाम, नथी सिंह परमार ने कोटरा महाविद्यालय के पास पुलिस चौकी शुरू करने की बात कही। थानाधिकारी ने जल्द ही बसेड़ी की प्रमुख समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान कैलाश चंद अग्रवाल, सत्यनारायण कौशिक, कैलाश चंद गोयल, मनोज परमार, रवि गोयल दोपरा वाले, मुकेश कौशिक एडवोकेट, राकेश सिंह सरपंच, नेमी चंद सिंगल, राजकुमार परमार, नथी सिंह परमार, सुरेंद्र सिंह खिडोरा, हैदर खान, दीनदयाल, अमरनाथ परमार, छोटू खान, राकेश शर्मा, कप्तान सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, सीताराम, सतीश शर्मा, जगदीश परमार, सुभाष सोनी, कल्लू खान, कृष्णा परमार, असलम पठान, अमरजीत परमार सहित अन्य कई सीएलजी सदस्य व पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। कांग्रेस के डीआरओ पहुंचे चंडीगढ़। बसेड़ी धौलपुर की खास खबर, आज चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए डीआरओ भगवान सिंह कुशवाहा ने चंडीगढ़ एवं पंजाब के पीआरओ बसेड़ी विधायक अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग खिलाड़ी लाल बैरवा से एवं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुहास चावला एवं प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों से बात कर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही पत्रकार बंधुओं से मुलाकात कर कांग्रेस कमेटी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को लेकर चंडीगढ़ के सदस्यों से चर्चा की गई, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में जानकारी ली एवं पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई।
दिहोली थाने पर हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक, मरेना की प्रमुख खबर। आज दिहोली थाना पर सीएलजी सदस्यों की बैठक की गई, जिसमें थाना इंचार्ज विद्या राम ने अध्यक्षता की, जिसमें दिहोली थाना इलाके में आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सरपंच प्रतिनिधि व सीएलजी सदस्यों को बुलाया एवं पुलिस मित्रों को भी बुलाया गया था, जिनसे दिहोली थाना क्षेत्र के आने वाली गाँव की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और जनता और पुलिस के बीच विश्वास बनाए रखने की बात कही। थाना अधिकारी ने कहा कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई वारदात होती है तो थाने पर आकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जनता को किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देंगे। मरेना से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। पीजी कॉलेज प्राचार्य के घर हुआ देवी जागरण। धौलपुर से खास खबर। राजकीय पीजी कॉलेज के प्राचार्य अशोक वर्मा के निवास स्थान पर शानदार देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी रात्रि श्रद्धालुओं ने देवी माता के भजनों का आनंद उठाया। शहर के भामतीपुरा रोड पर आयोजित हुआ देवी जागरण कार्यक्रम जो पूरी रात चला। देवी जागरण कार्यक्रम में डॉक्टर सुमन वर्मा, आकाश सोनी, बादल सोनी, सोनम सोनी, मेघा सोनी, उन्नति, कृष्णा, सिद्धि आदि पूरे परिवार की तरफ से देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। धौलपुर से वीवीएन वीरू रिपोर्ट।